हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी जीट्यूब चैनल बच्चों क्लास इलेवन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डेरीवेशन की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक डेरीवेशन है जो दो से तीन नंबर में बहुत बार आती है स्कूल्स में तो शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यह कहती है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कि आप बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो आप जो भी वर्क करते हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है यानी आपने फोर्स लगाई और बॉडी पे कुछ वर्क किया मान लो जब आपने बॉडी पे वर्क किया तब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी फिफ्टी जूल और थोड़ी देर बाद हो गई एटी जूल तो मतलब आपने कितना वर्क किया एटी माइनस फिफ्टी थर्टी जूल राइट right, तो जो भी आप वर्क करोगे टू चेंज इन एनर्जी आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको यही लिखना है और कैसे लिखना है बिल्कुल एज इट इज लिखना है आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है रिवाइज यहां से कर लो और मैं आपको नोट्स दे रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहां से सीख के आप उस लिंक से वो नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना, राइट तो यहां पर एक बॉडी है हमारे पास जिसको एक भाई साहब ने एफ फोर्स लगा के पुश किया जब इसने पुश किया, तो इस बॉडी की वेलोसिटी थी आई, मतलब इनिशियल। पुश जब इसने करा, थोड़ी देर बाद इस बॉडी की वेलोसिटी मान लो टी टाइम के बाद हो गई वी एफ इसके धक्का देने की वजह से यानी इस फोर्स की वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी है VF, और इस बॉडी का मास है एम तो हम इस बॉडी के मोशन का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे कैलकुलस मेथड के लिए अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा इस डेरिवेशन का रट्टे वाले काम नहीं करने हमने तो आप इंटीग्रेशन जरूर सीखिए क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस और टॉपिक्स ऐसे हैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ की फिजिक्स में जो बिना इंटीग्रेशन के आपको समझ ही नहीं आएंगे तो ये छोटे से पार्ट का जो डिस्टेंस है ये डीएस है ठीक है ये छोटा सा डिस्टेंस इस बॉडी को कवर करने में टाइम कितना लगा डी और इस दौरान क्योंकि लगातार बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है सिर्फ इस दौरान बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हुई वो कितनी चेंज हुई dv राइट और ये फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स और या डिस्प्लेसमेंट कह लो ठीक है स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल हो गया जीरो डिग्री राइट right? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन सिर्फ इतने से पार्ट के लिए अगर आप सिर्फ रट्टा मारने नहीं आए हो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो आपको पता होगा कि जब वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते हैं तो कैलकुलस मेथड से ही निकालते हैं क्योंकि फोर्स लगातार बदल रही है और हम मान लेते हैं कि एक छोटे से पार्ट के लिए फोर्स कॉन्स्टेंट रहेगी एंड फॉर दैट स्मॉल पार्ट इस फोर्स का वर्क जो है वो एफ इंटू डी एस है दिस इज अ वेरिएबल फोर्स एफ जो कोई फंक्शन होगा क्योंकि ये वेरिएबल है बट इस छोटे से पार्ट के लिए इसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने मान ली एफ तो इस इस छोटे से पार्ट के लिए फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा टू डी एस राइट फोर्स होता है मास इन एक्सेलरेशन तो यहां पे हमने लग दिया m इन ए ए आप जानते हो डीवी बाई डी होता है इस छोटे से पार्ट के लिए डी राइट right? अब थोड़ा सा रीअरेंज करो इस डीएस के नीचे डीटी को ले जाओ डीएस बाई डी टी डीएस बाई डी टी मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो वेलॉसिटी है वो हो गया डीएस बाई डी टी देखो वेलॉसिटी लगातार बदल रही है ना तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो वेलॉसिटी है वो वी है तो ये डीएस बाई डी टी की जगह हमने रख दिया वी तो ये हो गया एम वी राइट डी डब्ल्यू इज एम वी डी वी यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी थोड़ी सी DV बढ़ाने के लिए इस फोर्स को इतना वर्क करना पड़ेगा हमने निकालना है टोटल वर्क कि जब इस फोर्स ने इस बॉडी की वेलोसिटी से VF तक बढ़ाई तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ठीक है टोटल वर्क डन वैन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वी आई टू वी एफ तो वी आई टू वी एफ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया एम कॉन्स्टेंट था डी डब्ल्यू का इंटीग्रल तो डब्ल्यू हो गया ठीक है टोटल वर्क डन m कांस्टेंट था बाहर आ गया v बचा v का इंटीग्रल होता है v2/2 क्यों होता है सर इंटीग्रेशन <laughs> सीखो जाके x टू द पावर n का डेरिवेट इंटीग्रल x टू द पावर n का इंटीग्रल होता है x2/2 और यहाँ पे v की पावर n n क्या है 1 तो उसका इंटीग्रल हो गया v2/2 vi से vf फिर हमने लिखा अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट राइट अब m दोनों पे मल्टीप्लाई किया 1/2 m vf2 1/2 m vi2 दिस इज वॉट फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज वॉट इनिशियल कानेटिक एनर्जी सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरा राइट तो इसके नोट डाउनलोड कर लेना आप प्रिपेयर कर लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में ऑल द वेरी बेस्ट